अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन वृक्ष तीर्थ महर्जा में रखा गया। समाजजनों की माने तो निमाड़ क्षेत्र में पहली बार परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने पंजीयन कराते हुए आयोजन को सार्थक किया। जबकि आयोजन की बेला में ऊर्जा मंत्री उषा ठाकुर भी पहुंची और समाज की पहल का स्वागत किया। हम आपको बता दें कि 265 से अधिक युवक युवतियों ने मंच पर आकर परिवार के साथ गोत्र का परिचय दिया। इसी बीच स्मारिका का विमोचन भी हुआ। इस दौरान समिति के नरेंद्र चौहान ने बताया कि समाज की प्रगति के लिए परिचय सम्मेलन महती आवश्यकता है। ऐसे में सम्मेलन के माध्यम से वर वधु चयन आसान तरीके से हो जाता है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। मैं खरगोन का ही रहने वाला हूँ और मेरा लाइफ सेक्टर में जॉब है। मुंबई में मेरी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1999। हमारी रही कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र देखे, राजस्थान देखे, इधर नागपुर देखे, यहाँ तक के हमारे बीच में युवक युवती शामिल हुए। ये हमारे खरगोन जिले की राजपूत समाज की कहीं ना कहीं टोकन नंबर 145। मेरा नाम अर्पिता पवार है। मेरे पिताजी का नाम लालसी पवार है, जिनका व्यवसाय कृषि है। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में किया है और मेरा मूल निवासी जिंदी है। मैं करंटली में नागपुर पावन मंच पर राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराणा प्रताप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच से वो सभी अतिथि, सर्वप्रथम आयोजक आदरणीय भैया नरेंद्र सिंह जी, आज के कार्यक्रम में जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती अनुबाई भारत सिंह जी तवर, राजेश तवर जी, बंटी भाई जो कल से मेरे रात्रि से मेरे पीछे पड़ा है कि महेश्वर से यहाँ जाना ही जाना है, और जिनके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, मेरे बहुत ही प्रिय भाई, और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी भूतपूर्व नहीं होता साथियों, मेरा हितेंद्र भैया सोलंकी अभूतपूर्व विधायक है और लगातार सामाजिक और देश की सेवा के कामों में वो लगे रहते हैं। ये मंच आदरणीय प्रहलाद सिंह तवर जी भी आपसे बात कर रहे थे। भारतीय क्षत्रिय राजपूत समाज का ये जिले का नहीं, हम कह सकते निमाड़ क्षेत्र का प्रथम युवक युवती परिचय सम्मेलन है। आज के इस व्यस्ततम जीवन में जनता इतनी व्यस्त हो गई है, अपने कार्यक्रम जाते हैं, शादी ब्याह जाते हैं, भोजन किया, लिफाफा दिया और वापस निकल जाते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं हो पाता। इसलिए लड़के लड़कियों की विवाह में बहुत समस्या हो रही है। बहुत से परिवार शहरों में निवास करने लग गए, उन्होंने ग्रामीण परिवेश को छोड़ दिया। पहले गाँव में ऐसे व्यक्ति रहते थे जो संबंध करवाते थे, आज वो समय नहीं होने के कारण उनके मन से बुराइयां भी आती है, इस वजह से रिश्ते होने में बहुत कठिनाई हो रही है। बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल, 30 साल और 35 साल तक भी हो गई है, वो मीडिएटर जो मध्यस्थ करने वाले लोगों की कमी के कारण ऐसा सा कार्यक्रम हो, ऐसी समस्या खड़ी हो रही है। इसलिए हमारी खरगोन की जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की टीम है, उन्होंने सोचा कि एक युवक युवती परिचय सम्मेलन ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें सभी स्वजाति बंधुओं को एक मंच मिले, एक डायरेक्टर का निर्माण हो और वहां पर सभी आए, अपने रिश्ते हो और अच्छे लड़के लड़कियों को अच्छे रिश्ते मिले और समय की बचत हो, उन्हें संबंध अच्छे हो, इस उद्देश्य को लेकर हमने यह कार्यक्रम किया है। हमने यह कार्यक्रम खरगोन को लेकर किया था प्रारंभ, कि हम खरगोन जिले का कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन हमारी कल्पना से परे खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इन जिलों के साथ साथ गुजरात के करीब 10-15 बायोडाटा है, महाराष्ट्र के बायोडाटा है, एक दो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी आए, हमारी कल्पना से बाहर है कि समाज का इतना बड़ा सहयोग हमें इस कार्यक्रम में मिला। अभी हमारे पास करीब 165 लड़के लड़कियों के बायोडाटा हमारी डायरेक्टरी में पंजीयन हो चुका था। पंजीयन की लास्ट तारीख 20 थी, तब तक कुछ लोगों को सूचना के कारण पंजीयन नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद में 100 युवक युवतियों का पंजीयन फिर हो चुका है। ऐसे 265 का पंजीयन हमारे पास हो चुका है। नरेंद्र सिंह चौहान, सामूहिक विवाह समिति अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।